What's up? Welcome to another video, guys. As you can see, we have a lot of gifts here wrapped in all abhari paper though. Obviously, जब घर का पेपर है तो बाहर से क्यों खरीदना है. Okay, तो जिन लोगों को नहीं पता है, 25 अक्टूबर को मेरे पति देव कमलजीत राणा का बर्थडे होता है और मैंने खूब सारे गिफ्ट्स खरीदे हैं कमल के लिए, उसको गिफ्ट करने के लिए. लास्ट आई थिंक 3-4 साल हमने मिस्ट्री बॉक्स बनाया है. बट जरूरी नहीं है कि बर्थडे पे बनाया मैंने कमल के लिए. कई बार क्रिसमस पे बनाया है, कई बार बर्थडे पे बनाया है. लास्ट ईयर नहीं बनाया था बिकॉज हम लोग लड़े हुए थे. तो इस साल उस प्रथा को हम कंटिन्यू करेंगे और कमल का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसे खूब सारे गिफ्ट्स देंगे, ठीक है. और इस वीडियो को देख के वैसे तो आपको मजा आएगा, साथ ही साथ आप लोगों को इसमें बहुत ऐसे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि अगर आपको अपने पापा को, भैया को, बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, किसी को भी गिफ्ट करना है तो आपको काफी सारे आइडियाज मिल सकते हैं इन गिफ्ट्स में से, ठीक है. सो हमेशा हर साल की तरह मैं कमल को वही गिफ्ट देती हूँ जो उसे जरूरत होती है. मैं पहले बताना चाहती हूँ, कमलजीत राणा ने मुझे बहुत हिंट्स देने की कोशिश करी है. सो कृपया करके मुझे हिंट्स ना दें, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूं, मैं जानती हूं आपको किन चीजों की जरूरत है. 2-3 चीजों में कमल ने मेरे को ना हिंट दिया कि ना मुझे इस चीज की जरूरत है टाइप्स. मैं मन में सोच रही थी मुझे पता है यू गिविंग मी अ हिंट एंड दैट थिंग इज ऑलरेडी देयर इन योर गिफ्ट्स. डू यू वांट मी टू टेल किस चीज के लिए तुमने मुझे हिंट दिया? नहीं, फिर मुझे पता लग जाएगा ना कि वो आया है कि नहीं आया है. अभी पता चल जाएगा, ठीक है. जब वो चीज मैं खोलूंगी ना तब मैं आपको बताऊंगी किस चीज के लिए मुझे कमल ने हिंट दिया था, ठीक है. वो आया. हाँ, ऑफ कोर्स आया. ओके ओके ओके, चलो हैप्पी बर्थडे सबसे पहले. थैंक यू. अच्छा, कल कमल का बर्थडे है और कल हम लोग बाहर जाएंगे, वो भी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, फुल डे ऑन मी, ठीक है. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. यस, चलो लुकिंग फॉरवर्ड टू द गिफ्ट्स आल्सो राइट नाउ. ओके, तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले कौन सा गिफ्ट खोलना चाहोगे, कोई छोटे साइज का, बड़े साइज का? मैं आग बंद करके जूस करता हूँ. हाँ, ठीक है, ये चलो शुरू हो जाओ. अच्छा, इन्हें संभाल के खोलने की कोशिश मत करना बिकॉज दिस इज पेपर, तो यू कैन नॉट सेव इट. ओके, सबसे पहले काफी फनी चीज निकली है. कच्चे बॉक्सर्स. You need boxers. वही orange, blue और एक अपना एक और pathetic सा पहनते रहते हो, color fade हो गया है. But good, good, good. I'm happy that you are also not just buying things like earlier we used to, remember? कितना कुछ order कर लेते थे, तो Kamal is also not doing that. Yeah. Saving is the new earning. Yes. खोलने की जहमत मैं करूंगी. हाँ. तो मैं हाथ में दे दूंगी ये बस. ठीक है. आओ. मुझे लग रहा है जहमत तुमसे ही करानी पड़ेगी. मेरे जो बॉक्सर्स हैं ना वो सबसे कंफर्टेबल पीस ऑफ क्लोथिंग होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो चाहे कितने पुराने, और सबसे बड़ी बात होती है वो जितने पुराने होते चले जाते हैं ना वो उतने ही कंफर्टेबल होते चले जाते हैं. हाँ, वो तो है. अब एक की तो लास्ट वीक बहुत ज्यादा ढीली हो गई थी कि मैं पहन रहा था, वो उतर रहा था, तो उसके ज्योति ने जो वो हालत देखी तो उसने डिसाइड किया कि मुझे इस इंसान को नए बॉक्सर देने पड़ेंगे, नहीं तो ये यहां से नहीं जाएंगे. बट तो बोथ आर रियली गुड डिजाइन. सो इसके ऊपर तो जिराफ बना हुआ है. सो व्हाट इज दिस? अगर ये जिराफ है तो मैं जिराफ नहीं, क्या कार्टून हूं. ये क्या बोले? ये जीब्रा ही हो. दिमाग में जीब्रा चल रहा है. और क्या बोला मैंने? जिराफ. जिराफ सफारी में गए थे बाली में जाके, नाइट सफारी में जिराफ और जीब्रा दोनों देखे थे. ये क्या है बताओ? जीब्रा. हाँ, वेरी गुड. सो एक पे जीब्रा बना है. अब आप इस कच्चे को हमारे व्लॉग्स में काफी देखा करोगे. हाँ. और एक है ये भी बहुत अच्छा कलर है ना, डिफरेंट ना. पॉकेट है. हाँ, पॉकेट है. फटी तो नहीं है पॉकेट? नहीं, फटी होगी तो निकलेगा क्या? क्या निकलेगा तेरी पॉकेट से? हाथ तो जाएगा ना यार. क्या निकलेगा तेरी पॉकेट से? बॉक्सर की पॉकेट में वैसे भी कुछ नहीं निकलता गंदी. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट. एक मिनट, गेस तो कर ले यार, को थोड़ा सा तो गेस कर. दिस यू नीड, मतलब ये तो हिंट मैं हर चीज जगह. एवरीथिंग इज व्हाट यू हैव गिवन मी इज व्हाट आई नीड, पर मैं इसका हिंट. सो दिस इज समथिंग यू हैव बीन यूजिंग बट आई थिंक 1 ईयर. हां, ठीक है. यस, फोन कवर. फोन कवर. ये आई बैडली नीडेड अ फोन कवर. यस, क्योंकि जिस दिन से तुमने वो फोन लिया है, हां, ये वाला आईफोन, उसी दिन से तुम्हारा वो क्या कवर चल रहा है ना. करेक्शन, मैंने लिया नहीं है, मुझे गिफ्ट मिला है. मैंने बेबी ने दिया है, ज्यादा बनो. हां ठीक है, बता. उसी दिन अपन ने कवर भी लिया था ना. हां. सो अब मोर 1 साल हो गया होगा. मोर देन दैट. यस. नहीं, मोर देन दैट नहीं, लेस देन दैट. मैंने पैकिंग के हिसाब से ना जो टेढ़ी मेढ़ी चीजें थी, आई रियली होप वी बोथ लाइक इट. आई डोंट नो कोको. अच्छा, मैंने कोशिश करी हार्ड से हार्ड केस लेने के लिए, बट इस फोन के लिए मेरे जैसा हार्ड केस तो मिल नहीं रहा था, और जो हार्ड केस मिल रहा था वो फूल और पत्तियों वाला मिल रहा था. सो आई नो दैट यू वी वर डिस्कसिंग के तुझे हार्ड केस लेना है इस बार, बट मुझे नहीं मिला कोको. नो प्रॉब्लम, दिस इज सिलिकॉन. अच्छा, क्लासिक एक. हाँ, बट बिल्कुल रबड़ जैसा नहीं है. अगर तू साइडों में देख रहा है ना, तो इसके अंदर थोड़ा वो है.
हाँ करेक्ट नहीं नहीं बहुत बड़ी क्वालिटी है साइड्स तो है ना ये पीछे सॉफ्ट है दीज साइड्स तो बहुत पहले कमल और मेरी डिस्कशन हुई थी कुछ दो तीन महीने पहले कमल आई थिंक मैंने अपना केस उस किसी अपनी वीडियो में डाला था तब कमल वो वीडियो देख के बोल रहा था कि ज्योति जब मैं लूंगा अगली बार मैं भी हार्ड केस लूंगा सो मेरे दिमाग में था वो चीज बट मुझे नहीं मिला रिमेम्बर मुझे आई रिमेम्बर दैट वन टाइम वी वर शूटिंग अ रील एंड यू सेड कि कवर निकाल दो भाई कवर निकालने वो ना तब कहा थी तुमने गोवा में ज्योति के फोन का कवर निकालना वाज लाइक एक हथौड़ा चाहिए होता था और एक पेचकस चाहिए होता मेरा केस बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है ओके दिस इज समथिंग यू लाइक इट्स फ्रॉम आभारी स्क्रंची यू लाइक स्क्रंचीज यू लाइक पुटिंग देम बैग्स वार्डरोब रिफ्रेशनर हां यस वार्डरोब फ्रेशनर बार फ्रेशनर फ्रेशनर बट इट इज नॉट द वन दैट यू लाइक ओके Because everyone likes those bars, so I can't give you that. मुझे already उसका वो रहता है. So Kamal likes lavender के wardrobe freshener bars. This is gold. Rose. Rose, yes. But मुझे Kamal को rose gift करना पड़ा because मेरे lavenders hot selling है and मेरे पास already कमी रहती है. मैं एक भी Kamal के तो इस बार ये use कर ले. मैं फिर तेरे को दूँगी. हाँ, एक बार तुम इसने क्या किया था? बता दूँ क्या किया था तुमने मेरे को? मैंने कहा था मेरे को एक लेवेंडर दे दी थी लेवेंडर की जगह ना वो लेकर आ गई थी रोज करी मैंने लगा दिया तेरी कवर पे तू जाए ऐसे लगा दिया मैंने लगा दिया मैं कमल को लेवेंडर पसंद है और कमल को मैं लेवेंडर ही नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे पास कभी भी एक्स्ट्रा होता ही नहीं है वो यार मैं क्या करूँ वेरी हाई इन डिमांड है वेरी हाई इन डिमांड सही में मुझे वार्डरोब फ्रेशनर्स से इंट्रोड्यूस ज्योति ने ही कराया मैंने लाइफ में पहली बार इनकी इस चीज का नाम सुना और मुझे बहुत अमेजिंग लगी है और मेरे कवर्ड में जब भी आप खोलोगे तो सिर्फ आपको इसकी वो क्यों खोलेंगे तुम्हारी कवर्ड मैं थोड़ा सा बता दूं सो दिस जिनको नहीं पता है दिस इज अ वार्डरोब फ्रेशनर बार ये भी पैक्ड है अंदर से इसको हम बाहर निकालते हैं ये निकाला बाय द वे इसका भी मैं एक कहानी है वो बताती हूँ रुको और इसको आप वापस डालो ये है आपका वो प्रोडक्ट यानी वार्डरोब फ्रेशनर बार दिस इज वैक्स का बार इसके अंदर खूब सारी फ्रेग्रेंस है जो तो जब आप इसे अपनी अलमारी के अंदर रखते हो तो जितनी बार आप अपनी अलमारी खोलते हो यू डोंट गेट अजीब अजीब सी स्मेल कपड़ों की जो होती है यू गेट दिस खुशबू नाउ इसका मैं आपको बता रही थी ये सो ये जो होता है जो लोग भी मुझसे खरीद रहे हैं फ्रेशनर बार्स इसको फेंकना नहीं इसको आप क्या कर सकते हो इसके अंदर भी खूब सारी फ्रेग्रेंस होती है तो इसको जो भी आप अपना हैंडबैग यूज कर रहे हो या कुछ भी जो पर्स क्लच कुछ भी यूज कर रहे हो उसके अंदर डाल लो आपके बैग के अंदर ही काम आ जाएगा लाइक रादर देन थ्रोइंग दिस यू कैन यूज इट ये आइडिया मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया बाय द वे प्रसिद्ध नाम है लड़की का तो शी सेड मैंने ये फेंका नहीं और मैंने अपने पर्स में डाल ली मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है तो अब मेरे वालों में भी डले हुए मेरा कोच के बैग में मैंने डाले हुए सो यू कैन यूज मैं अपने वॉलेट में डाल लूंगा और वैसे तो मारते नहीं थे हमारे मम्मी पर ज्यादा बट कभी कभी उड़ती हुई चप्पल उड़ती हुई देखी है मेरे को कम लगती थी चप्पल चप्पलों की जरूरत तो नहीं थी चप्पलें तेरे पास हैं बट कमल के पास जो चप्पलें हैं वो बहुत ही पहाड़ जैसी चप्पलें हैं जिसमें वो खुद ही अड़ के गिरता रहता है सो दैट्स व्हाई आई थॉट के कमल के लिए चप्पलें लेनी चाहिए ये है एडिडास की साइज क्या है तेरा साइज क्या है मेरा 11 आर यू श्योर या सही मंगाया मैंने पक्का बोल पक्का 100% मुझे मेरे घर के लिए आ गई है बाहर के लिए मेरे पास है मेरे को घर में पहनने के लिए चाहिए थी नेक्स्ट कुछ तो ग्रूमिंग प्रीमियम लग रहा है यस यस सो कमल मेरा स्किन केयर इतना यूज करता है इतनी जल्दी जल्दी खत्म करता है कि मैंने कहा कमल को उसका स्किन केयर दे दिया जाए एक्चुअली ये रीजन नहीं है बताती हूँ क्या रीजन है तेरे को ये चाहिए था नहीं इससे भी घिनौना रीजन है So this is a pack of 5 to 6 products by the man company. जिसमें एक है body wash, एक है roll on deo, एक है perfume, body lotion, body spray. So actual reason ये नहीं है कि कमल ताकि मेरा use ना करे skin care. Actual reason ये है कि जब मैं तेरे मिंत्रा से कुछ और खरीद रही थी तो ये कुछ 2000+ रुपए का था जो मुझे 600 रुपए में मिल रहा था तो मैंने ले लिया मैंने कहा ये एक और गिफ्ट हो गया नहीं नहीं पर बहुत अच्छी चीजें हैं सारी हाँ, ट्रैवलिंग में बहुत काम आएंगी ये चीजें हाँ ये सस्ता तभी मिल रहा था जब मैं फलाना कुछ बिल बन रहा था मेरा हाँ अदरवाइज ये महंगा था चल नेक्स्ट यस कपड़ा है आई होप यू लाइक इट सो दिस इज अ टी-शर्ट अरे बहुत क्यूट है ये तो बहुत अच्छी लग रही है
Do you have nothing like this? No, I don't have anything. Or like you do? This. No, I don't. ऐसा तेरा नंबर वाला कुछ नहीं है ना तेरे पास? I think you will look very good at this. I'll check देख सामने. बहुत ही प्यारा लग रहा है. Size देख ले size को. Large आ गया. देख लिया? चल अब तू बता एक. नहीं. Touch कर लिया अब पता चल गया. हाँ ये तो. You know. बाटली. हाँ. By Saab, I love the color. ओए ओए ओए. Good है? Yes. I really like the color. So, can I please use it? Can you please use the other one and I can take this? I know it will happen that later. अभी पुरानी वाली मुझे दे देगी फिर नई वाली रखेगी. हमेशा तो ऐसे नहीं करती गोगो मैं किसी हमेशा ही करती हूँ. गंदा आदमी. So, हमारे घर में एक ही जिम बॉटल थी वो मैंने यूज करनी शुरू कर दी. तो कमल जब आता है अपना कभी किसी चीज में डाल के आता है पानी कभी किसी चीज में डाल के लाता है तो मुझे ऐसे था कि चल यार इसको बॉटल दे देती हूँ. दिस इज योर्स ओनली. एक दिन तो इसने मुझे प्लास्टिक की थैली से पानी पीते हुए देख लिया इसलिए इसने मुझे बॉटल ऑर्डर करवाई है. नहीं तो ये नहीं कर रही थी पहले बॉटल ऑर्डर. सो हमें ऐसे 1.5-2 लीटर की बॉटल लगती ही लगती है. और एक्चुअली अब हमारे घर में वो भी तो नहीं है बॉटल्स कांच की. एक आधी बची है सारी टूट चुकी है धीरे धीरे करके. तो रादर देन बाइंग मोर बॉटल्स अब हम जिम में भी ये यूज करते हैं और अपने दोनों बेड साइड पे भी यही वाली बॉटल रख लिया करें. पर्सनली एक एक बॉटल हो गई हम दोनों की सारा दिन पानी पीने की जिम में भी और उसमें भी. क्योंकि अब ज्योति भी बहुत पानी पीने लग गई तो आई एम वेरी हैप्पी. चलो नेक्स्ट. Come on, you can guess this easily. कंचे. कंचे ही देने चाहिए थे. Something you need. अच्छा something to eat. Something to eat. एक डब्बा है डब्बे के अंदर. अरे ऐसे मिष्टी के बिस्किट है. वो है जो तुम्हें नसीब नहीं होता है जल्दी जल्दी क्योंकि मैं घर में आने नहीं देती हूँ. ड्राई फ्रूट्स. हाँ क्योंकि कमल ड्राई फ्रूट्स खाता है तो ऐसे मुट्ठियाँ भर भर के दिन में 7 से 8 बार खाता है. उसको ड्राई फ्रूट इतना पसंद है तो मैं कहती घर में आएगा ही नहीं अगर तुमने किलो ड्राई फ्रूट 10 दिन में खत्म करना है तो. दैट इज ट्रू. आई लव ईटिंग ड्राई फ्रूट्स. सो दिस इज पंचमेवा ट्रेल मिक्स. इसमें डेट्स हैं, ड्राइड ब्लैक करंट है, रेजिन्स हैं, कैशूज हैं और आलमंड्स हैं. इसमें वो नहीं है क्या? अखरोट. अखरोट नहीं अखरोट चाहिए मुझे. अखरोट भी चल मंगा दी बाद में फिर कोई. सो दिस आई थिंक अ वेरी गुड ऑप्शन. 1.2 केजीज है. 1 किलो से भी ज्यादा है. सो इट्स अ गुड ऑप्शन. Now you can eat as much as you want. Yes, for the next 10 days because 10 din mein dibba khatam ho jayega. 10 din mein to nahi. Ab to main bahut balanced diet khane lag gaya. Ye meri nazar bahut der se thi is pe. Aur mujhe pata hai ki ye kya hai. Kya baat kar rahe hai? Ye nahi pata ho sakta dekho. Ye hai gaane sunne ke liye. Tum dekha tha kya? Nahi bacha kyunki mere ko itne size ke box ka andaaza hai. Aur main tere ko bhi diya tha na. Aur apne liye bhi bahut pehle mangaya tha jo mere ko. So you know. Yeah. तो देखा तो नहीं ना पक्का कमरे में. नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि यू वर बैंग ऑन. वाओ. और तूने मुझे वो वाले दिए जो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा था जो मैंने 1.5 साल से यूज किए और मेरे को सबसे अच्छे लगते थे यही वाले. यस एग्जैक्टली. आप लोगों ने मेरा कोई हॉल देखो को बहुत पहले वैलेंटाइंस डे के लिए मैंने बनाया था उसमें मैंने ऑर्डर किए थे तब से. सो कमल हैड लॉस्ट दीस किसी शूट पे शायद कहीं पे तो इसलिए मैंने सोचा कि वही सेम देती हूँ बिकॉज़ आई नो कमल वाज वेरी हैप्पी विद दीस एयरपॉड्स. करेक्ट. वो बहुत बढ़िया थे. हमारी इस बारे में भी बहुत पहले जब मैंने एयरपॉड्स लिए थे तो बात हुई थी. लिए नहीं थे कमल ने मुझे दिए थे. तो कमल ने एक बार बातों बातों मुझे बोला था कि मैं भी अब एयरपॉड्स ही लूंगा. एंड आई हैड टोल्ड यू एट दैट टाइम ऑल्सो कि कमल नहीं तेरे से खो भी गया तो इतना ट्रैवल करता है इतना शूट करता है जब भी लेगा वो मत लियो तू वापस से यही वाले रिपीट कर रही हो जो तेरे खोए. सो दैट्स व्हाई आई आल्सो डिसाइडेड कि नहीं यही देंगे. तो क्या है ना कम ऑफ ये खो भी गए ना अब तेरे शूट्स वगैरह पे कभी तो इतना दुख नहीं आएगा. दुख नहीं होगा फिर अगली बार देख लेंगे एयरपोर्ट्स. ठीक है मजा आ रहा है. चलो नेक्स्ट. ये भी इजी टू गेस है यार. एक तो डब्बों में नहीं है चीजें. तीन चीजें हैं. हां क्या है कम ऑफ पता है यार गोकुस हाथ लगाने से किसी को पता चल जाएगा. नाटक कर रहा है तू. जस्ट बिकॉज तूने पिछली बार वाला बहुत जल्दी गेस कर लिया तो तूने सोचा इसमें टाइम लेता हूँ. फाड़ के देख रहा है. देख फाड़ के देख रहा है. तो क्या कर ले बता ना क्या होगा. डिओड्रेंट. हाँ इट्स सो इजी गोगो. सेट बैठे. अब बता दे तेरे पास डिओड्रेंट कितना बचा था. मेरे पास एक भी नहीं थे खत्म हो गए थे मेरे डिओड्रेंट. लास्ट बॉटल. यू आर यूजिंग लास्ट बॉटल. हां मेरे अंदर से बदबू नहीं आती क्या करूं मैं. वो तो अब मैं आजकल बहुत हैवी वर्कआउट करने लग गया हूं तो अब थोड़ा सा वो हो गया. फिर तूने वो वाला क्यों नहीं ऑर्डर किया. मुझे पता था क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इस लड़की ने अपने लिए परफ्यूम ऑर्डर किया डिओड्रेंट ऑर्डर किया और कह रही कमल तुम अब यही डिओड्रेंट मंगाओगे अपने लिए नेक्स्ट मेगा पक्का बेबी डन. और खुद इसने मेरे लिए ये कर दिया. सो द डिओड्रेंट का मिल रहा था. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. द डिओड्रेंट कमल इज टॉकिंग अबाउट इज अ डिओड्रेंट बाय बॉम्बे शेविंग कंपनी.
मैंने उसे ऑर्डर किया था जल्दी से, आई थिंक जेप्टो या कहीं से, बिकॉज मेरा डिओड्रेंट खत्म हो गया था और मुझे उस दिन जिम के लिए मेरे पास था नहीं कुछ, तो जल्दी से ऑर्डर किया एंड आई वॉज मंत्रमुग्ध कि इतना बढ़िया डिओड्रेंट था वो। तो उस दिन हमारी ये डिस्कशन हुई थी। नाउ कमल इज लाइक कि तूने फिर वो क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये मैं ऑर्डर कर चुकी थी पहले और वो वाला इंसिडेंट सारा बाद में हुआ है। 3 का पैक है ये रहा, सेट वेट और 3 अलग अलग फ्रेग्रेंसेस लग रही है। हां, इसमें 3 अलग अलग हैं, कूल चार्म मिस्चीफ एवटार। ओके, गिव इट टू मी, आई एम द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दिस। ओके, वन सेकंड, ये मैं हाथ में दूंगी तो शेप से पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने डब्बे से बाहर निकाला हुआ है इस चीज को। नाउ दिस इज समथिंग जो तुम हमेशा किसी से मांग के यूज करते हो एंड यू जस्ट नेवर थॉट ऑफ बाइंग इट, मांगते रहते हो सेम चीज हर बार एक इंसान से, ये सर जरा ये यूज कर लूं आपका, क्या होता है सर? सर मतलब मैं सर किसको बोलता हूँ? सर तो मैं जिम में बोलता हूँ। तो बेल्ट I hope you like the color. Yeah. I hope you like the color because I'm gonna wear it. You're gonna look at me. अच्छा, by the way, ये मैंने gym वाले sir से discuss करके ली है। अच्छा। But you still see? I have to check my size. See, Kamal is most excited about this belt. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Yes. ठीक है? Yes. पक्का? Oh yeah. नहीं तो एक्सचेंज कर सकते हैं अपन। अरे साइज जब एक्सरसाइज करने जाऊंगा टाइट फिट पहनूंगा ना कपड़े, तब देखियो कितनी अच्छी लगेगी। ठीक है, अब पहन के बैठ जाओगे? वो देख स्टाइल लग रहा है एकदम बढ़िया, वो लग रहे हो जापानीज तुम। बट थैंक यू फॉर दिस, यस है ना, यू रियली नीडेड दिस। सो नाउ वेयर इज द जिम बैग? आई नीड अ बिगर जिम बैग नाउ। अब आप देखो आप गिफ्ट देते हो तो आप पूरी तरह से सोच के लो। हां यार, यू नीडेड अ जिम बैग आल्सो, आई फॉरगॉट। Adidas, Adidas, या वो इसलिए क्योंकि अब कमल का थोड़ा सा सामान बढ़ गया है, एक ट्रेनिंग पे कमल जाता है तो उसलिए। अदरवाइज जिम बैग जो मैंने लास्ट टाइम HRX का तुम्हें दिया था वो बहुत बढ़िया चल रहा है। कमल नहीं यूज कर रहा आजकल? हम दोनों। उसे कौन यूज कर रहा है? हम दोनों। मेरा आप लास्ट ब्लॉग उठा के देख सकते हो, उसमें मैं जिम में अपना ओनली का बैग लेके गई हुई हूँ, देख लेना। क्यों? क्योंकि ये जिम बैग लेके क्या हुआ था अभी लाउंडर से जिम बैग किसके जूते रखे उसमें? एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि जब हम इकट्ठे जाते हैं तो हम उसमें लेके जाते हैं, अगर अकेला लेके जाती हूँ तो तुम जिम बैग बाहर ले जाते हो अपनी ट्रेनिंग पे, मैं फिर पीछे से अपने हैंड बैग लेके जाती हूँ। बहुत दुखी होता हूँ। तुम्हें मुझे मेरे, एक सेकंड, तुम्हें मुझे मेरे बर्थडे पे देना चाहिए जिम बैग। हाँ तो अब आएगा तब दूंगा, अभी तो मेरा तो चल रहा है, तो मेरे लिए तो अब मैं बेल्ट कहाँ रखूँ, मेरे बैग में बेल्ट ही नहीं आएगी। अच्छा दूंगी भाई, दे दूंगी, गिफ्ट कर दूंगी, सब कुछ बोल के रिक्वायरमेंट्स बता के एंड में बोलता हूँ। जोकिंग्स, वेरी क्लोज, खाने की ही चीज है। खाने की चीज है? हाँ, डब्बा वैसा ही लग रहा है एक्चुअली। पर तू हेल्दी चीजें दे रही है तो प्रोटीन बार्स हैं क्या? यस, कुछ भी नक्को बोल तो। यस, वही है। खाने जैसी फूड ठीक कह रही है। हाँ वही है, बिकॉज़ यू आल्सो नो ना व्हाट ऑल यू नीडेड। यस एग्जैक्टली, आई गिव यू योर फेवरेट वंस, द होल ट्रुथ। यस, आई लाइक। सो कमल की फेवरेट बार्स हैं ये, अगर उसका कभी मीठा जैसी कोई चीज खाने का उल्टा हो रही तो मन हो तो वो ये खाता है। सो दिस इज द डब्बा एंड इसके अंदर, सॉरी वो पहले उनको भी दिखाने दे, खूब सारी होल ट्रूथ की चॉकलेट्स हैं। ओ वाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 6 है। अगर आप अलग लेते हो तो हम लोगों को ये सबसे ज्यादा पसंद है और ये वाली सबसे ज्यादा पसंद है, बाकी इसमें सारी है। वाओ, आई एम सो हैप्पी विद दिस, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज, क्योंकि ये मेरे लिए मीठा भी है, ये मेरे लिए हेल्दी भी है, फुल प्रोटीन रिच है। थैंक यू सो मच। इसमें से एक तरफ दूंगा, चलेगा? मुझे नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए। ये वो चीज है जिसकी कमल मुझे हिंट दे रहा था और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, वृद्धि करती ऐसे, सी आई पिक दिस फ्रॉम वृद्धि, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। सुन मैं लोड़ा ले मैं कभी भी वृद्धि को टेंशन में फोन करती हूँ ना तो वो कहती है सुन मैन लोड ना ले, लोड ना ले, कमल उसकी नकल उतारता है। और वो भी दो है इसमें, उस दिन हमारी गंदी लड़ाई हुई। इधर दे, मेरा बर्थडे, मुझे खोलने दे। एक तो जैसे काम नहीं करवा रही। ओह नाइस। सो ये ऐसे नहीं है लंबे, सो ये आए ऐसे हैं, बट एक्चुअली ये कैसे हो जाते हैं वो बताती हूं। बेसिकली ये देखो। ओह, इट्स
इसको बस अभी टेस्टिंग करेंगे तो इसके हमें सक्सेसफुल हो जाए ना हमारी टेस्टिंग होगा होगा अच्छा ही तो मजा आ जाएगा यस तो दो एक्चुअली मिनिमम क्वांटिटी थी तो मैंने कहा व्हाई नॉट दो मंगा लेते हैं दो बढ़िया एक इस तरफ लग जाएगा जैसे बैक पे और एक इस तरफ लग जाएगा बैक पे एक साथ अच्छी से आइसिंग हो जाएगी शरीर मुझे लगा एक मैं यूज कर लूंगी एक तुम यूज कर लो हां तो तब तुम्हारे को जो इसको मैं कितने दिन से बोल रहा हूं आइसिंग कर ले ये लड़की मेरी बात मानती नहीं और आइसिंग नहीं कर रही अब तो हाथ ऐसे करके दिखा लेफ्ट हैंड ये नहीं कर सकती हां इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तू आइसिंग नहीं कर रही ये ले मेरी तरफ से तेरे गिफ्ट थैंक यू बर्थडे टू यू अगले साल तक डन दिस इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू टू वेयर ये तो नॉर्मल है खुद तो बोल रहा था 5 का पैक ले लूं क्या जो जो हाँ. तो मैंने कहा तेरे लिए अच्छी ऑर्डर कर देती हूं मैं हाँ. आगे से ये और पीछे से ये आगे से क्या लिखा है कुछ भी नहीं प्लेन आई जस्ट थॉट यू डोंट हैव दिस काइंड नो 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 व्हाइट आई डोंट हैव टी-शर्ट नाउ हां वही तो यूजुअली मैं व्हाइट चीजों को बड़ा गंदा कर देता हूं अगर आप ध्यान से देखो मेरी शर्ट को तो इसमें भी मैंने सब्जी गिराई हुई कोई तो एक बूंद होगी बस कोको आई लाइक इट आई ओवरसाइज है ना अच्छा वो ये है जो ओवरसाइज है खोलने के बाद पलटेगी तू नहीं नहीं वो मुझे लगा वो बोल चीज है पर वो है वो ये नहीं है ये है सॉरी और दिवाली ओ ठीक है You didn't buy anything new for Diwali, so I bought it for you. And you don't have any thing like this, right? Yes. And it's reminds me, for you. It reminds me a little bit of my shadi wala kurta also. हाँ, वो है, but वो कैसा? हाँ, नहीं मतलब वो look वैसी है उसकी. Stripes थी क्या? Stripes नहीं थी, but उसका ये गर्दन पे हल्का सा work था, वो Fab India का था. ठीक है? You like it? पक्का बोल. Yes. ऐसा lace लगा हुआ आगे. अच्छा, L मंगाना था यार. मैंने तो L मंगाया था सारी चीजों में. नहीं ये कुछ ज्यादा लंबा लग रहा है ये तो बड़ा है बड़ा है हां एक्सेल है नहीं मैंने नहीं मंगाया इतना चल पहन के देखियो अभी डेट अगर पड़ी हुई क्योंकि कुछ दिन हो गए हैं चीजें मंगाई हुई तो मैं साइज एक्सचेंज करा दूंगी नहीं तो हम अल्टर करा लेंगे सब ले ये तो छोटा है इस हिसाब से फिर ठीक है शोल्डर भी ठीक है फिर आगे ठीक है लग रहा है ऐसे ही वो कुर्ते की वजह से बहुत सुंदर है सो दिस इज फ्रॉम रिद्धि ओके ये इसके अंदर तीन चीजें हैं मैंने तीनों उसकी इकट्ठी पैक कर दी ये तो शर्ट है हां एक शर्ट है तुझे याद है कल मैं जब तेरी वो वाली चॉकलेट कलर की शर्ट टंगी हुई देख रही थी मैंने बोला कमो ये तेरे पास कहाँ से आई तूने बोला ये मुझे परम ने दी थी तेरे फ्रेंड हाँ, याद है हाँ. मुझे ऐसा लग रहा है तेरे पास कोई चॉकलेट कलर की शर्ट नहीं है भूल गई थी कि परम ने चॉकलेट कलर की गिफ्ट की थी तो इसलिए मैंने उसे ये वाली बोली बेसिकली ये चीजें मैंने ही उसे भेजी थी इस हिसाब से वो कहती क्या जरूरत है वो मुझे भेज दे ऑलमोस्ट सिमिलर है बस डार्कनेस और ब्राइटनेस का फर्क है बस सॉरी मैंने कल जब तेरी टंगी हुई देखी तो मैंने कहा यार ये तो कमल के पास चॉकलेट कलर की शर्ट है चल कोई नहीं लेकिन ये अच्छा डिफरेंट है अभी कह रहा बिल्कुल सेम है अपने इट्स ओके थोड़ी डिफरेंट है बिल्कुल सेम नहीं है मतलब का ऑब्वियसली थोड़ा तो फर्क है थोड़ा सा लाइटर है ये थोड़ी डार्कर है बस और कुछ नहीं सो दिस इज यूएस पोलो की शर्ट या मेरे पास दो यूएस पोलो की है ना वो दो शर्ट्स जो बहुत अच्छी लगती है लिनन टाइप से जो हां और दूसरा क्या प्लेन वाली हां प्लेन वाली ये टी-शर्ट है मैं तूने बहुत टाइम से कपड़े नहीं खरीदे इसलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं कपड़े सही इम्परफेक्टली परफेक्ट नहीं पसंद क्या बड़ी है क्या साइज हां साइज का थोड़ा इसका डाउट सा हो रहा है ये भी वही है कोको वो है ओवरसाइज्ड हां नहीं लेकिन बहुत स्लीव छोटी ठीक है अब अगर टाइम हुआ तो मैं साइज चेंज करा दूंगी ये हरा रंग का कुछ भी था ये जिम के लिए ये भी बड़ी है क्या नहीं नहीं ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे दिस कलर इज आल्सो वेरी नाइस बट दिस इज एक्सेप्टेबल यू डोंट हैव दिस कलर इसका बैग दिखा कितना सुंदर है पुमा या यू वोंट बी एबल टू गेस दिस नो चांस बट दिस इज आल्सो समथिंग योर वर्कआउट रिलेटेड है फिर तो वो होंगे डंबल्स नहीं इतने छोटे में तू कितना हाथ दे रही मैं दिखा रहा हूँ तेरे को एक्सरसाइज करके क्रॉस पढ़ लिया तूने पढ़ नहीं लिया पढ़ा अब तूने बोला देख रेजिस्टेंस बैंड यार यहाँ से ना थोड़ा चमक रहे कैमरा में नहीं दिख रहा नहीं तूने वर्कआउट बोला तब मुझे ज्यादा ध्यान आया बेटा कोको यार तूने पढ़ क्यों लिया यार इट्स अ सेट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स ओके इससे तू हैमस्ट्रिंग्स ग्लूट्स एब्स सब कर सकता है समझ गया
तेरा बहुत फेक ये निकला है, तुझे नहीं पसंद, नहीं चाहिए था क्या? नहीं मुझे चाहिए था। अच्छा ये ले खोल ले फिर अपना। हाँ तो देन तू देगी तब तो खोलूंगा। मैं वापस कर दूंगी तेरा सारा सामान, तू किसी चीज पे खुशी नहीं दिखा रहा। ए चपका। नाइस। ओके ये डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस की है ना ये? हाँ ये क्या है? होगा सेटिंग ही नहीं था कुछ। अच्छा ये अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से एक्सेस करने के लिए ये सब चीजें है ना? हाँ ये बहुत बढ़िया है। कभी कभी मैं शूट पे जाता हूँ ना इसीलिए कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता वर्कआउट पर, वो टाइमिंग इस हिसाब से होती है, लेकिन सेट पे कभी कभी बीच में बहुत ज्यादा फ्री टाइम मिल जाता है। सो ये रेजिस्टेंस ट्यूब्स हैं बेसिकली वर्कआउट के लिए, एंड आई थॉट कि कमल इनको यू मुझे था तेरे को स्किपिंग रोप भी देने चाहिए थी, तेरे पास वो भी नहीं है। हां स्किपिंग, चल तू इन्हीं के साथ स्किपिंग कर लियो। इस पे स्किपिंग नहीं हो सकती बेटा, मजाक कर रही हूं। आई एम जोकिंग। पक्का काम की है? अरे बहुत काम की भैया। अलग अलग वेट से देख, ये 22 किलो की हो गई, तो आपको अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है अपना वेट ट्रेनिंग के टाइम पे, 22 किलो का लिखा है क्या? हां ये देख, हां ये ये रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखी होगी भी, कितना वेट आपको देगा ये। गुड, ये जैसे ओके लास्ट चीज, रुक जाओ पहले इसको रख लेते। ये सब इतना क्यों लग रहा था बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, अब ऐसे क्यों लग रहा है कि कम गिफ्ट्स हैं? नहीं इतना भाई पड़ा तो क्या, पूरा का पूरा सामान। एक दो चीजें मैंने वापस भी करी है एक्चुअली, मेरे को हां क्वालिटी पसंद है। योर लास्ट गिफ्ट, लास्ट गिफ्ट। मैं घड़ी नहीं पहनी आज, तभी मैं बोल, घड़ी पहनना भूल रही आजकल। हां एक कपड़ा, हां कपड़ा, यस यस कपड़ा। बाथरूम? नहीं बाथरूम, इतने छोटे में बाथरूम कैसा है? हाँ तेरे को बाथरूम भी चाहिए? अरे तेरे को तो सब कुछ चाहिए होता है जो मैं लाती हूँ। मेरा जब से बाथरूम देखा तब से कमल को भी बाथरूम चाहिए। वाओ डिफरेंट ना। हाँ ये डबल एक्सेल, डबल एक्सेल क्या हो गया? कोई कारण होगा क्योंकि मैंने साइज चार्ट पढ़ा होगा और मुझे लगा होगा इसका साइज यही सही है। क्वाड सेट काफी डिफरेंट है, अगर आप देखोगे टेक्सचर्ड है। क्वाड सेट के साथ जाना पड़ेगा गोवा। मैं तो जा रही हूँ गोवा दोबारा। वाओ नाइस। हाँ ये थोड़ा, तू सीरियसली डोंट थिंक दिस अबाउट द साइज बुक, तेरा फ्रेम पूरा कवर हो गया अंदर और शर्ट देख ले मेरे जैसे तीन घुस जाए उसके अंदर, तुझे लगता नहीं साइज की क्या है तू को यार? यार सॉरी यार, डबल एक्सेल साइज ऑर्डर मैंने नहीं किया। कौन तुझे लगता है मैं तेरे लिए कुछ डबल एक्सेल ऑर्डर करूंगी? तो ये किसका गलत दिया है उन्होंने? अब भी फोन दिखा मुझे, ऑर्डर पे चेक करा, तुझे मेरा साइज नहीं पता को यार? कब तुझे लगता है मैंने डबल एक्सेल वो किया होगा? अरे वो रिटर्न 29th अक्टूबर है, इसका साइज मंगा लेंगे। हाँ। चेक करो पहले कौन सा साइज ऑर्डर किया है। एक्सेल यार मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैंने एक्सेल क्यों किया होगा तेरे लिए ऑर्डर? ऐसे कैसे को इन्होंने एक्सेल भेजा है इसलिए इन्होंने एक्सेल लिखा? पॉसिबिलिटी नहीं है मैंने एक्सेल किया। चल ठीक है किया होगा, फिर गलती हुई। तूने सही किया है ऑर्डर, आया डबल एक्सेल है पर एक्सेल लिखा है उसपे। बेटा डबल एक्सेल लिखा है तो वही तो मैं बोलूं, मैंने एग्जैक्टली मैंने साइज चार्ट पढ़ा होगा उसी हिसाब से ऑर्डर किया होगा, राइट? एंड दे सेंट डबल एक्सेल, सो आई वन राइट? यू वन यस। चलो अभी 29th अक्टूबर इस पे लिखा है, अभी तो दिन है। तो वैसे आज ही तू इसको एक्सचेंज बना दियो और कोई भी कुर्ता भी ट्राई कर लियो। सब ट्राई कर लूं, कपड़े तो एक बार ट्राई करने बेटर रहेगा। हां बस, हां कम तो नहीं है? नहीं नहीं पक्का बोल, बहुत है। आई लव ऑल द गिफ्ट्स और बहुत मेरी सारी चीजें मेरे काम की आ गई है। बेस्ट चीज, बेस्ट चीज बताओ जो तेरे बहुत काम आएगी। ऐसी तीन चीज बता काम आएगी, वो को बेल्ट नहीं काम आएगी तेरे यार? बेल्ट आएगी हफ्ते में दो बार काम, जिस दिन मैं लेग्स और बैक करूंगा। तो नहीं मंगानी चाहिए थी? क्यों नहीं मंगानी चाहिए थी, अपनी होनी चाहिए बेल्ट। एग्जैक्टली तू सर से काम कर रहा है, कितना वो लगता है। अब जब जिम का बैग चाहिए, लेकिन अब बड़ा बेटा याद रखियो। ठीक है ले लियो फिर। हां अभी हो गया बर्थडे के लिए, मैंने बहुत सारी चीजें कर ली। यस अभी कल तेरे बर्थडे वाले दिन भी मैंने सारे खर्चे कर दिए मेरे गाने। मेरा ये हेडफोन, हां ये ईयरफोन, मुझे बताता हूं। एक एक पकड़ ये, एक ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ये टी शर्ट मुझे बहुत सुंदर लगी, एंड आई लाइक लव दीज चप्पल्स आल्सो। मुझे ये बॉटल बहुत सुंदर लग रही है, ब्लैक कलर की ना, बहुत बहुत सुंदर लग रही है। ठीक है और ये ओ आई लव दिस टी शर्ट आल्सो, यस मुझे बहुत अच्छी कलर लगा है, बहुत अच्छा कलर। अभी तो अपने वो ट्रेनिंग जो चल रही है उसमें पहन के जाइयो। हां यस ठीक है। Okay guys, so this is it for this video. These were all the gifts that I had ordered for Kammu. सारे जो gifts हैं उनके links, क्योंकि mostly मैंने Amazon और Myntra से ही खरीदे हैं, तो सबके links मैं नीचे description box में डाल दूंगी। अगर आपको लगता है इसमें से कोई चीज़ आपको भी आपके काम की है, या आपके आप किसी को gift कर सकते हैं, क्योंकि अभी festive season चल रहा है। वैसे तो मेरे wardrobe freshener bars ले लेना, वो gifting के लिए बहुत अच्छे हैं। Oh, हाँ. Guys, I also got one. Yes. But otherwise, there are many options जो आप you know gift करना चाहो किसी को, तो I think 300-400 रुपए से start होके ये चीजें हैं। This is it. Hope you guys enjoyed. See you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care, guys.